आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में हम चर्चा कर रहे थे संधि के बारे में प्यारे बच्चों, और संधि में विसर्ग संधि के भाग एक में हम शय का शय कहाँ होता, विसर्ग का शय कहाँ होता है, और विसर्ग का ये शय कहाँ होता है, और विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। इसके अलावा हम रह के विधान के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले भाग में। आइए अब हम इस भाग में श्वादि यानी ऊ कहाँ होता है, ऊ का ओ कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्वादि और उत्व संधि के बारे में देखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं उत्व संधि के बारे में देखते हैं। उत्व संधि का जो सूत्र है अतो रोर प्लुताद अप्लुते, अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र कहता है कि ऋष्व आकार के बाद में स्थित रुत्व के र के स्थान पर ऊ हो जाता है। यानी इस विसर्ग का ये है ना, ये स्थिति जहां आ गई ना, जैसे रामः प्लस अस्ति, रामः प्लस अस्ति, यानी ये क्या कहता है, यानी ऋष्वकार एमए क्या है, ऋष्वकार है के बाद में स्थित इस विसर्ग का क्या हुआ, रू हुआ, रू का क्या हुआ, र हुआ, यानी रामर समझने की अस्ति ये हुआ ना। अब ये यही कहता है कि यानी ये स्थिति थी ए प्लस विसर्ग प्लस ए, और इसके स्थान पर क्या हो गया, इस र का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। और यदि र के आगे भी क्या हो, ऋष्वकार हो, यानी ऋष्वकार है कि नहीं है, यहां भी र के स्थान पर ऊ होने पर, और जब ऊ हो जाएगा और उसका क्या होगा, गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यथा प्राप्त गुण कार्य तथा पूर्व रूप कार्य भी हो जाता है। समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरणों से और अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, अब इसमें देखो मूल रूप क्या है, देव है, और इस विसर्ग का हमने क्या किया, शय किया, और शय का हमने क्या किया, रू किया, रू का क्या बचा, रह बचा, रह बच गया। अब हमारा जो ये सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, वो यही तो कहता है कि प्लस के पहले यानी विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और विसर्ग या रह से पहले क्या हो, ए हो, और प्लस के बाद में क्या हो, ए हो, तो क्या हो जाता है, उस रह का ऊ हो जाता है, यानी देवर अर्च्य, और इस रह का क्या कर दिया, ऊ कर दिया, देवह ऊ प्लस अर्च्य। उसी प्रकार से ऊ का क्या करना पड़ेगा, अब गुण करना पड़ेगा कि क्या बनेगा, देवो अर्च्य। और जो हमारा एंगो पदांता दति जो सूत्र था वो क्या कहता था कि पदांत ए और ओ के बाद में यदि कोई भी ए आए तो उसका क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, देवो अर्च्य। इसलिए आपको पूर्व रूप संधि का भी अध्ययन करना चाहिए, जो मैं स्वर संधि का एक भेद था उसका वीडियो देख सकते हैं बच्चों। रामस प्लस अस्ति, और इसका मूल रूप क्या है, राम है, राम है, है ना, मूल रूप राम है, और आगे क्या है, अस्ति है। और हमने क्या कहा था कि प्लस के पहले ए हो और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद में क्या हो, ए और विसर्ग, ए और विसर्ग आ रहा कि नहीं आ रहा देखो, और उसके बाद में भी क्या हो, ए हो। तो ये सारी परिस्थितियां निर्माण होती है प्यारे बच्चों, सारी परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब देखो देवाह, और इस विसर्ग का क्या किया, शय किया, और शय शय का हमने क्या कर दिया, रह किया, और रह का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ का के बाद में ए है, इसलिए ये हो जाएगा देवोर्चनीय। उसी प्रकार से कह प्लस अपी, कस प्लस अपी हो गया, और शय का क्या किया, रू किया, रू का क्या हुआ, रह हुआ, और रह का क्या हुआ, ऊ हुआ, और ऊ का क्या कर दिया हमने, ओ कर दिया, और इसके बाद में ये ए है, तो इसको क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, को अपी बनेगा। उसी प्रकार से कह, कह है, और कह का हमने क्या किया, स किया, स का क्या कर दिया, रू किया, रू का क्या हुआ, रह हुआ, और रह का ऊ हुआ, और ऊ का क्या किया हमने, ओ कर दिया, और ओ के बाद में ए होने के कारण हमने इसको ए को क्या कर दिया, पूर्व रूप कर दिया, एंगो पदांता दति सूत्र से। उसी प्रकार से शह, शस कर दिया, शह और स का रह हुआ, रू हुआ, रू का रह हुआ, और रह का ऊ हुआ, और ऊ का क्या कर दिया, ओ कर दिया, और ओ के बाद में ए होने के कारण इसका क्या कर दिया हमने, पूर्व रूप कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों
हमारी जो ये सूत्र है वो ये कहता था कि ए विसर्ग से पहले क्या हो, कोई ए हो, और विसर्ग के बाद में भी कोई ए हो, तो उसका क्या हो जाता है, उस विसर्ग का रुत होकर, रू का र होकर, और उसका र क्या ओ हो जाता है, और ओ का के बाद में ए हो तो उसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो उदाहरणों से आपके अच्छे समझ में आए होंगे सारे उदाहरण। और आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हसीश्चय सूत्र क्या कहता है कि प्लस के पहले क्या हो, ए हो, और ए के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, अर्थात ओह की स्थिति हो, और हस्वर्ण हो बाद में, और क्या हो, हस्वर्ण हो, यानी ऋष्व आकार के बाद में स्थित रुत्व के रह को उ हो जाता है, यानी इस विसर्ग के का रह हुआ और रह का क्या हो गया, उ हो गया, और क्या हो बाद में, हर्ष वर्गों के तीन चार पांच। हमारा प्रसिद्ध उदाहरण देखा होगा आपने, मनोरथ, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है मनोरथ, मनोरथ कैसे बना, मनः प्लस रथ, यानी उसमें विसर्ग संधि है, वो इसी का एक रूप मान सकते हैं। और हर्ष वर्गों के तीन चार पांच, ह य व र ल है, यह वैरल वर्णों के परे रहते यहां यथा प्राप्त गुण कार्य भी हो जाएगा, यानी यहां गुण भी हो जाएगा। आइए उदाहरणों से और समझने की कोशिश करते हैं। देखो मनोरथ वाला उदाहरण है ना, मनोर मनस प्लस रथ है, और ये मूल शब्द क्या है, मन है, और इस शय का क्या कर दिया हमने, रह कर दिया, रह कर दिया ना, और रह का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, और उ का क्या हो गया, ओ हो गया। बच्चों इससे पहले जो हमने ये सूत्र पढ़ा था इसमें क्या थी, ए की स्थिति थी, दोनों जगह ए था, लेकिन ये हमारा हसीश्चय सूत्र कहता है कि ए हो और विसर्ग हो, और उसके बाद में यदि विसर्ग नहीं, तीन चार पांच, ह य व र ल हो, तो उस उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, र का उ होकर उ का ओ हो जाता है। तो रामस प्लस हस्ति, रामस में मूल शब्द है राम, समझ में आ गई बात, शय का क्या कर दिया हमने, रह कर दिया, रू करके रह, और रह का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कौन से सूत्र से, हसीच, जो हमारा हसीच सूत्र यही तो कहता था कि ऋष्व आकार के बाद में स्थित रुत्व के रह को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, हर्ष वर्गों के तीन चार पांच, ह य व र ल वर्णों के परे रहते यहां यथा प्राप्त गुण कार्य भी हो जाएगा। तो बच्चों रामस प्लस हस्ति में शय का रू किया, रू का र किया, और र का ऊ हो करके राम है, ऊ प्लस अस्ति, और इस ऊ का क्या हो गया, यहां गुण हो गया, रामो अस्ति वना। उसी प्रकार से बालश्च लिखती, यानी इन शय का रू हुआ, रू का र, बालर लिखती, और बाल है प्लस ऊ लिखती, तो बालो लिखती हो गया। उसी प्रकार से नृपः, नृपश दास्यति, और स का क्या किया, रू किया, रू का क्या हुआ, र हुआ प्यारे बच्चों, और र होने के बाद में उसका उ हो गया इस सूत्र से, और यहाँ गुण होकर के नृपो दास्यति। उसी प्रकार से रामस जयति, रामर जयति, राम उ प्लस जयति, और रामो जयति हो गया। और यह उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है, मन है, मनस शय का मनस प्लस रथ है, मन है प्लस रथ है, संधि आए तो, और इसका विसर्ग का क्या कर दिया, शय कर दिया, शय का क्या हुआ, रू हुआ, रू का र हुआ, और मन प्लस ऊ प्लस रथ, और इस ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, मनोरथ। तो मनोरथ की संधि विच्छेद पूछे तो मन प्लस रथ, राम अस्ति की, रामो अस्ति की, राम प्लस अस्ति। तो इस प्रकार से बच्चों शिव है, शिवस वंदे वना, और इससे र हुआ, र से ऊ हुआ, और शिवो वंदे रूप बन गया। उसी प्रकार से घट, घटस प्लस नास्ति, घटर प्लस नास्ति, घट ऊ प्लस नास्ति, तो घटो नास्ति रूप बना। उसी प्रकार से लक्ष्मण है, लक्ष्मण स्मूर्छित हुआ, लक्ष्मण स्मूर्छित में र हुआ इसका स का, और स का र हो करके ऊ हुआ, और ऊ के बाद में ओ हो करके लक्ष्मणो मूर्छित, यानी लक्ष्मण मूर्छित हो गया। सूर्य है भाति, सूर्यस भाति हुआ, र हुआ इसका, र का ऊ हुआ, सूर्यो भाति बना, सूर्यो भाति। इस प्रकार से ये हमारा ये भाग यहीं पर पूर्ण होता है। इसमें हमने हसीच्चय सूत्र देखा, यानी प्लस के पहले क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और उसके बाद में तीन चार पांच, ह य व र ल यानी वर्ण हो, तो ये स्थिति होती है, उस रे का ऊ हो जाता है प्यारे बच्चों।
उससे पहले हमने जो सूत्र देखा था अतो रोर प्लूता दप्लूते, उसमें ए के बाद में क्या था, विसर्ग था, और उस विसर्ग के बाद में भी क्या था, ए था। तो इस प्रकार से जो हमारे ये दोनों सूत्र थे उत्व संधि के, ये उत्व संधि इसी के साथ ही पूर्ण होती है। अगली संधि के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।